मैं अनिल दीक्षित आपके समक्ष आज फिर एक समस्या पर विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत हूं। हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे कि श्रम कानूनों में जो फेरबदल किया जा रहा है उसमें श्रमिकों का कितना नुकसान है या कितना लाभ है। इसी के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि के विषय में। सन 1951 में भविष्य निधि कानून लागू हुआ था, उसके बाद उसमें समय समय पर बहुत परिवर्तन होते रहे, डिफरेंट है। लेकिन आज की तारीख में जो एक सबसे बड़ी चीज जो बात हम आपको बताना चाहेंगे वो ये होगी कि इसके अंतर्गत सबसे पहले जब नियम बनाए गए थे तो उसमें ऐसा था कि जिस भी प्रतिष्ठान में 10 या 10 से अधिक एम्प्लाई काम करते हैं उनको इसके अंतर्गत रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उनके रजिस्ट्रेशन पर जो कर्मचारी होंगे उनके वेतन से जो उनका वेतन मिल रहा है उनको उसका 10% उनका काटा जाएगा और 10% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लायर अपनी तरफ से करेगा। समय के साथ परिवर्तन होते होते ये हो गया कि उसमें जो कर्मचारियों की संख्या 10 थी उसको बढ़ाकर सरकार ने 20 कर दिया, और जो प्रतिशत था सैलरी से काटने का वो 12% कर दिया कि वो एम्प्लाई के सैलरी से कटेगा, और उसमें 12% जो है एम्प्लायर अपनी ओर से जमा करके प्रोविडेंट फंड खाते में जमा करेगा। उस 12% में से टोटल में से 8.33% जो है प्रोविडेंट फंड खाते में जाएगा और 3.67% जो है ईएसआई में जाएगा। ईएसआई के लाभ से मतलब यह है कि उसको बीमार पड़ने पर जो सुविधाएं ईएसआई अस्पताल से मिलेंगी उसके अंतर्गत उसको रखा जाएगा। इसके अलावा पेंशन के लिए एक अलग फंड बनाया गया जिसके लिए एम्प्लाई से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था। इसी के तहत अभी हाल में सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब उन प्रतिष्ठानों में जिनमें यह अनिवार्य था, जिनकी संख्या 20 होती थी उसमें यह अनिवार्य होता था, अब इसको बढ़ा करके उन्होंने 30 कर दिया है। 30 करने से क्या होगा कि जितने भी प्रतिष्ठान हैं, एक तो हमारे यहाँ जो व्यापारी वर्ग है वो क्या करता है, अपना उसका कारखाना एक होता है, वहीं रबड़ की चप्पल या कोई भी चीज बनती है, उसको वो कई चीजों में बांट देता है कई फर्मों में, और उनके लोगों उनके नाम जो है अलग अलग कर देता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ कारखाने ऐसे हैं जिनके यहाँ इतने एम्प्लाई होते हैं कि उनको उनका रजिस्ट्रेशन कराना और उनको प्रोविडेंट फंड की सुविधा का लाभ देना आवश्यक हो जाता था। अब उस संख्या को सरकार ने व्यापारियों के हित के लिए, पूंजीपतियों के हित के लिए बढ़ा करके 20 से 30 पर 30 की संख्या कर दी है। जब कम से कम 30 एम्प्लॉय जिस संगठन में होंगे उनके लिए अनिवार्य होगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इस तरह से सरकार ने श्रमिकों को के हित का वो ध्यान में नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने हित में ध्यान रखा है जो कि नियोक्ता है। नियोक्ता कौन है? जो पूंजीपति है, जो व्यापार कर रहा है। तो श्रमिकों के शोषण के लिए उन्होंने एक नया रास्ता तैयार कर दिया है। इसी तरह से सरकार ने एक नई स्कीम लागू की है स्टार्टअप की। स्टार्टअप के अंतर्गत जो लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं वो एक नया कंसेप्ट लेकर के आते हैं कि हम इस काम को इस तरीके से करेंगे। इसमें बहुत सारे युवा लोग हैं जिनको कि स्टार्टअप के तहत लोन मिलता है, फंड्स मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इसी के अंतर्गत उनको एक बहुत बड़ा लाभ ये दिया गया है कि वो अगर अपने एम्प्लॉयर को सैलरी कितनी भी दे रहे हैं, मिनिमम वेजेस 15,000 है वहां पर अप्रेंटिस के रूप में, और उसके ऊपर कितनी भी सैलरी दे रहे हैं, यहां तक कि जो लोगों को 50,000, 60,000, 70,000 या 1,00,000 रुपए भी सैलरी मिल रही है उनका भी प्रोविडेंट फंड का अकाउंट नहीं खोला जाता है, उनको इस मामले में 5 वर्षों के लिए छूट दी गई है। तो जब छूट देने से हो क्या रहा है कि कर्मचारियों का या काम करने वालों का जो भी है उनका शोषण हो रहा है। तो सरकार इस तरह से अपने छूट देने के नाम पर कर्मचारियों का शोषण कर रही है और पूंजीपतियों को, व्यापारियों को इसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा पिछली सरकारें जो रही उन्होंने पेंशन स्कीम खत्म कर दी है। पेंशन स्कीम समाप्त कर देने से उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लागू की है। न्यू पेंशन स्कीम में आदमी अपना ही पैसा जमा करता है, कुछ समय तक बाद में उसको, अभी
न्यू पेंशन स्कीम पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा हम लोगों ने पीएफ के खास तौर से जो बिंदु है वो संख्या 20 से बढ़ाकर 30 करने पर अपना प्रश्न उठाया है। हमारी जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, कर्मचारी श्रम संगठन है, उन सब से अपील है, उनसे आग्रह है, सोशल मीडिया के जो लोग हैं, हमारे जो रवीश कुमार जी हैं जो NDTV में एक आधे घंटे का प्रोग्राम सुबह देखते हैं, उनका एक YouTube चैनल भी है, वो काफी पॉपुलर है, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वे इस चेंज को, इस सरकार ने जो परिवर्तन किए नियम, इसको 20 ही रखें, बल्कि और घटा करके 10 के रखने की बात करें। इससे कर्मचारियों का नुकसान ही हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ फायदा हो रहा है तो व्यापारियों का हो रहा है। आज हम लोग अपनी बात सिर्फ यहीं तक समाप्त करते हैं कि प्रोविडेंट फंड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कर्मचारियों की संख्या संस्थान में जो 30 कर दी गई है उसको 20 या जो पहले बहुत पहले समय 10 थी वहीं तक रखा जाए। यहीं पर मैं अपनी बात आज की समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, कोविड के नियम जो भी बतलाए जा रहे हैं उनका संपूर्ण रूप से पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। बहुत अच्छी बात है कि आज से सरकार ने वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है। मेरी कामना है कि ये कार्यक्रम सक्सेस हो, सफल हो और इस बीमारी के ऊपर रोक सके, रोक लग सके। मेरा आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।